नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान के खिलाफ मुस्लिमों के प्रदर्शन की। हमारे साथ है वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस मुद्दे पर न तो राजनीतिक बयानबाजी हुई, न मीडिया की सुर्खी बना ये मुद्दा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कमलेश तिवारी को खुद उसके शहर में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उसको आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जान रही है। मेरा ये कहना है कि किसी ने अगर गुस्ताखी की है, गलत किया है, तो उसको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि क्या उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, क्या उसके खिलाफ जो जरूरी कानूनी कार्रवाई होनी थी वो तुरंत हुई या नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसको सबसे पहले तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उसको नजरबंद किया गया, फिर उसको गिरफ्तार किया गया और बाद में अंत में उसके ऊपर रासुका भी लगा दी गई, जो उसकी गंभीरता को देखते हुए अपराध की। मेरा निवेदन ये है, जितने भी मुस्लिम भाई इसको लेकर नाराज हो रहे हैं, कि अगर कोई निश्चित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में कुछ गलत कहता है तो वो गलत, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या वो समूचे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है या किसी और दीगर समाज का भी वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या उसके स्वर में और लोगों ने स्वर मिलाया, क्या लोगों ने ये आकर कहा कि इसने ठीक कहा है, क्या लोगों ने ये कहा कि ऐसा और कहते रहना चाहिए। सवाल ये है कि हम अगर देश में एक तरफ से किसी पक्ष को समझाकर उस पक्ष की बातों को, जैसे अगर हिंदू धर्म गलत कर रहा है, हिंदू लोग गलत कर रहे हैं, अब हम दो पक्षों की बात छोड़ देना चाहिए। देखिए, जो दादरी में हुआ उसको ये निश्चित तौर पर कहकर प्रसारित किया गया, चाहे उनकी स्थानीय लड़ाई हो या कुछ भी मुद्दा हो, उसमें कहा गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति था अखलाक, उसके ऊपर आरोप ये था कि वो गाय का मांस पका रहा था और इसी वजह से भीड़। तो इसमें बात जो स्थानीय मुद्दा होना चाहिए था, स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर उस पर बात होनी चाहिए थी, वो इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और उसको हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखा गया। क्या किसी भी व्यक्ति ने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा हुआ, और इसी तरीके से जो भी गाय का मांस पकाया उसके खिलाफ कार्रवाई, नहीं, उसके ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई भी की गई और उसके ऊपर तमाम राजनीतिक बयानबाजी के बावजूद एक बड़े वर्ग की तरफ से लगातार ये आवाज आती रही कि गलत हुआ। और आप देखिए कि उस बहस में किस तरह के लोग शामिल थे लगातार, जो उस घटना की आलोचना कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। यहाँ दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों में, जिसमें दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, कानपुर, पटना के कुछ शहर और अभी खास तौर पे पश्चिम बंगाल के मालदा में जो घटना हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि 2.5 लाख मुसलमान इकट्ठा हो गए और वो इस बात से उत्तेजित थे कि कमलेश तिवारी पर क्या कार्रवाई हो रही है। और जैसा कहा जाता है कि भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता, मैं ये भी कहूंगा कि भीड़ भी हिंदू और मुसलमान भी नहीं होती। भीड़ ने जो सामने आया उसके खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर दिया, BSF की गाड़ी जला दी, थाना जला दिया। मुझे दुख इस बात का भी है कि जिस मीडिया में लगातार दादरी पर चले, और मैं खुल के कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये वक्त ऐसा है जिसमें सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर के जमाने में आप शब्दों को दबा सकते हैं, छुपा सकते हैं और उन तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं जो सामने आए हैं। इस मामले में तो चूंकि प्रकरण भी दर्ज हुआ है, मामला है, इसका मतलब घटना हुई है, तथ्य है, सच है, तो हमें इस पर भी बहस करनी चाहिए कि कोई एक वर्ग, कोई एक समाज इतना असहिष्णु हो जाएगा किसी एक व्यक्ति के बयान को लेकर, कोई सिरफिरा किसी को कुछ भी कह देगा और आप उसको लेकर सारी दुनिया सिर पर उठा लेंगे। मुझे एक और सवाल पूछना है कि इससे पहले तो हमारे से आज से करीबन 200 साल पहले का जो समाज था, 400 साल पहले का समाज था, वो ज्यादा सहिष्णु था। हमारे आप अगर हिंदू समाज में देखिए तो राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे उन पर कीचड़ फेंका गया, ताने कसे गए, लेकिन उन्होंने अपना काम किया और कुरीतियों को दूर किया। इसी तरह जब हम देखते हैं कि कोई कबीर आता है और वो कहता है कि क्यों आप इतनी तेजी से अजान लगाते हो, क्या आपका अल्लाह बहरा है। एक गालिब हुआ करते हैं जिन्होंने कहा कि भाई ईमा मुझे रोके है, जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है और कलीसा मेरे आगे, तो काबे को लेकर वो इस तरह के शेर पढ़ सकते थे। और मस्जिद में बैठकर शराब पीने को लेकर तो उस जमाने के तमाम आला शायरों ने, तो मुझे लगता है कि ये शायर आज के जमाने में हुए होते तो आप तो उनका कत्ल करने पर उतारू हो जाते। क्या हमारा अल्लाह सचमुच इतना कमजोर है कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के बयान से, जिसके बयान की इतनी अहमियत नहीं है जितनी आप दे रहे हैं, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई, उससे क्या छोटा हो जाते हैं वो। सवाल ये है कि हम किसी घटना को लेकर किस हद तक जा सकते हैं। आपने अपना विरोध दर्ज किया, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ हम कहते हैं कि हिंदुस्तान अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो उसकी इस धर्मनिरपेक्षता को महफूज रखने के लिए जो व्यवस्था है उसके कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए, और आवाज को आपने पहुंचा दिया, इसके बाद आप सड़क पर उपद्रव करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक दलों को भी एक ही संप्रदाय की कट्टरता नजर आती है? ये बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है, और खास तौर पर जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें अब तथ्यों और मुद्दों को छुपाए बगैर बात करनी चाहिए, और वक्त आ गया है, क्योंकि हम किस बात को छुपाना चाहते हैं। दरअसल लोग उन बातों की चर्चा खुलेआम जब कर रहे हैं और गलत तथ्य भी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहे हैं, तो सही तथ्यों को प्रसारित करने की बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब से
ये वर्तमान सरकार है मोदी जी वाली, वो आई है, तब से इस बात को लेकर ज्यादा बहस होने लगी है कि जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता हमारी, क्या वो सूडो सेकुलरिज्म है, वो दिखावे का सेकुलरिज्म है, कुछ लोग उनको सेक्युलर भी कहते हैं, और अगर हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो क्या उसमें केवल बहुसंख्यकों को आप धर्मनिरपेक्ष होने की अपेक्षा करते हैं। और अच्छी बात यह लगी है कि इस मालदा की घटना को लेकर अल्पसंख्यक समाज की तरफ से भी आवाज आई। जैसा मैं कहता हूं, अच्छी बातों को भी रेखांकित करना चाहिए। मैंने फेसबुक पर बहुत सारे मुस्लिम भाइयों की ये भी पोस्ट देखी है कि उन्होंने कहा है कि किसी भी सिरफिरे की बात को इतनी तवज्जो देना हमारी ओर से गलती है, हमें शांति बरतनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, और जो लोग इस्लाम के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको लेकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। ऐसा मुस्लिम भाइयों की पोस्ट मैंने खुद देखी है और मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि जैसे दादरी की घटना हुई थी और बहुसंख्यक समाज यानी जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों ने आकर लगातार सरकार की आलोचना की थी, अवार्ड भी वापस हुए उसको, कई घटनाओं से कलबुर्गी और दाभोलकर जैसे घटनाओं से भी जोड़ा गया। ऐसे ही अब वक्त, अब जिम्मेदारी मुस्लिम समाज के ऊपर है, उनको आगे आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमारे समाज का एक वर्ग अगर इस तरह से सड़क पर आकर उपद्रव करेगा, सड़क पर आकर 2-2.5 लाख, 50,000, 60,000 की भीड़ अलग अलग शहरों में इकट्ठा हो रही, तो उनको समझाने का काम अगर हिंदुओं की ओर से होगा तो फिर से उसको धार्मिक रंग चढ़ाया जाएगा और ये फिर से हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनेगा। जरूरत इस बात की है कि जिस धर्म में गड़बड़ी है, जिस धर्म के अंदर कुरीति है, जिस धर्म के अंदर अतिवाद है, जिस धर्म के अंदर इस तरह की ताकतें हैं जो लगातार कट्टरता की बातें करती हैं, उसी धर्म के अंदर से अगर आवाज आएगी, अगर ईसाइयत में कोई गलत हो रहा है तो ईसाई लोग अगर कहेंगे तो ज्यादा सुना जाएगा, धार्मिक विवाद का विषय बनने के बजाय उसी समाज के अंदर सुधार का विषय बनेगा और विवाद होगा तो उसी समाज के भीतर रहेगा। इसी तरह अगर हिंदू समाज में कुरीतियां हैं, गलतियां हैं, दादरी जैसा कांड हमारे कुछ साथी जाकर कर देते हैं हिंदू समाज के, तो उनको रोकने का काम हिंदू समाज की तरफ से सामने होता आता है तो निश्चित तौर पर उसकी आवाज ज्यादा बुलंद मानी जाएगी। इसी तरह अगर बहुत सारे शहरों में इस तरह मुस्लिमों को लामबंद करके इस तरह का शोर मचाने की कोशिश की जा रही है तो उनको समझाने वाली आवाजें भी मुस्लिम समाज की होंगी तो ज्यादा बेहतर है। कहीं यह देश का माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं लग रहा है? अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, देखिए आप एक तरफ से इस तरह की हरकत करेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष को ये बताने वाले बहुत लोग होंगे कि देखिए वो इस तरह लामबंद हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, असुरक्षा है, भीड़ है, पूरी दुनिया में वैसे ही माहौल बहुत खराब है, बारूद के ढेर पर पूरी दुनिया बैठी है, हमने देखा है कि तेल और पैसे के खेल ने किस तरह आतंकवाद को इतनी तेजी से गति दी है दुनिया में, पेरिस में जो कुछ हुआ कुछ छुपा नहीं, उसके बाद बहुत सारी बातें की हैं दुनिया के चौधरियों ने, लेकिन अब सब कहां पर है? सब फिर पीछे हट गए, वही रूस अमेरिका और यूरोप की राजनीति फिर से शुरू हो गई, वही सीरिया के आईएसआई में तेल बेचने का खेल अभी भी चालू है, अवैध हथियारों का खेल अभी भी चालू है। तो मुझे लगता है बल्कि धर्म के नुमाइंदों को यह समझना होगा कि कैसे धार्मिक भावनाओं को बरगलाकर भड़काकर इस तरह से अतिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम समाज की नहीं, इंसानियत की बात है, समूची इंसानियत इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस वक्त सब लोगों को अपने अपने धर्म को अपने पूजा घरों में, अपने मंदिरों मस्जिदों में और अपनी व्यक्तिगत इबादत तक सीमित रखकर समूचे मानव समाज की भलाई सोचनी चाहिए। आप अपने धर्म को माने जितना जरूरी है, जिस दायरे में जरूरी उतना माने, उसको पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाए, वो एक निश्चित तौर पर निजी व्यक्तिगत चीज है, उसको इस तरह की सामूहिकता का रंग नहीं दें कि लोग उसका इस्तेमाल धार्मिक भावनाएं भड़काकर देश का माहौल खराब करने में इस्तेमाल करें, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती और चिंगारी भड़क जाती है। यदि भी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर के भीतर हम हिंदू या मुसलमान रहें और घर से बाहर निकलते हम भारतीय बन जाएं? हम भारतीय बन जाएं और विश्व नागरिक भी बन जाएं, इंसान बन जाएं, ये इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। कोशिशें तो इस बात की है पर होता ठीक उल्टा है। हम जब घर पर होते हैं, पत्नी बच्चों के साथ होते हैं, परिवार के साथ होते हैं तो हम नहीं सोचते, लेकिन जब हम सड़कों पर आ जाते हैं तो हम हिंदू मुसलमान होने की कोशिश करते हैं। तो ये तो ठीक उल्टा आचरण सभ्य समाज द्वारा किया जा रहा है। और मैं लगातार जो कह रहा हूं कि जो दाभोलकर को गोली मारी गई गलत हुआ, वो आज से 200 साल पहले के समाज में होते तो शायद उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता, उनको यातनाएं दी जाती, उनको प्रताड़ित किया जाता, उनका बहिष्कार किया जाता, लेकिन उनको गोली नहीं मारी जाती। तो हमारा आज से पहले का जो समाज है वो ज्यादा सभ्य था, ज्यादा संस्कारी था, ज्यादा सुशिक्षित था, हम पढ़ लिख लिए हैं, किताबें पढ़ ली हैं, तो बार बार वही बात है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो ये इतनी छोटी आसान बार बार रटी हुई जो दोहा है, उक्ति है, उसको हम क्यों नहीं समझ पाते? मेरी समझ के बाहर है ये बात
कि हमारा समाज दरअसल आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, और इस आगे जाने को परिभाषित कौन करेगा? क्या ऊंची इमारतें, रॉकेट और चांद तक पहुंच जाना आगे जाने की निशानी? मुझे नहीं लगता, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हम अगर इन दाभोलकरों की, इन कलबुर्गियों की, इन अखलाकों की आवाजें नहीं सुन सकते हैं, और इस तरह से किसी एक कमलेश तिवारी के कह देने पर से एक पूरा समाज इस तरह से आंदोलित होकर सड़क पर आ जाता है, तो हम पीछे जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू। मुझे लगता है हम पीछे जा रहे हैं। हमें इस तरह के आंदोलन करने की बजाय सिर्फ एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए हम और बुरी दुनिया छोड़कर जाएंगे। जयजुद, ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल दादरी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनका एक बयान भी नहीं आता। बहुत गलत है। मैं कहता हूं पूरा मीडिया और देश की समूची राजनीति इस बात के लिए जिम्मेदार है कि एक बहुसंख्यक हिंदू समाज को आप बार बार इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देते हो कि आपकी सारी धर्मनिरपेक्ष नीतियां जो है वो मुस्लिम समाज की तरफ झुकी हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमें आप शब्दों को छुपाने दबाने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है आप फेसबुक की सारी पोस्ट देखिए, और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप शुतुरमुर्ग हैं, आप फिर रेत में सिर धंसा रहे हैं। आप सच्चाई से मुंह चुराने की कोशिश कर रहे हैं। देश समाज दुनिया में जो हो रहा है उसको शब्द या आवाज न देने से आप काम नहीं चलेगा। हो ये रहा है कि जब आप दादरी को, दाभोलकर को और कलबुर्गी को लेकर एक इतना बड़ा ताना बाना रचते हैं, इतने बड़े बड़े लेखक और शायर अपने अपने सम्मान लौटा देते हैं, देश का माहौल ऐसा बन जाता है कि जैसे देश रहने लायक नहीं है, उसमें बड़े अभिनेताओं जैसे शाहरुख खान और आमिर खान के बयानों की भी बड़ी भूमिका होती है, और जब एक मालदा जैसी घटना हो जाती है, निश्चित तौर पर उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए। आप देखिए पटा पड़ा है सोशल मीडिया, इस तरह के रेखाचित्र, इस तरह के कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं कि देखिए उस वक्त सारा मीडिया इस तरह आ गया, नेता लोगों ने बयान दिया अपने, राहुल गांधी केजरीवाल की बात। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये मालदा की घटना की भी उतने ही कड़े शब्दों में निंदा करें, आलोचना करें, जितने कड़े शब्दों में हमने दादरी की थी। हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें न दादरी की जीत होनी चाहिए न मालदा की जीत होनी चाहिए, जीत इंसानियत की होनी चाहिए। ये सवाल दादरी वर्सेस मालदा का नहीं है, ये सवाल 84 वर्सेस 2002 के गुजरात दंगों का नहीं है, ये सवाल भागलपुर बनाम मुजफ्फरपुर का नहीं है, ये सवाल इंसानियत बनाम इंसानियत का है, और केवल इंसानियत की जीत सुनिश्चित करना जरूरी है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे अल्पसंख्यक समुदाय के देशव्यापी प्रदर्शन की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।